केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर के सवाल पूछे। राज्यवर्धन सिंह का सवाल है कि आपने किसानों की कर्ज माफी की बात की थी, उस वायदे का क्या हुआ? आपने युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का वादा किया था, उसका क्या रहा है? आज युवा आपसे जवाब मांग रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से भामाशाह और पीएम की आयुष्मान योजना को भी बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। गांधी जी, आपका स्वागत है राजस्थान में। आप राजस्थान तो आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता आपसे मांग रही है जवाब। मैं आपसे पूछता हूं सवाल। आप यहां पर आए, आपने ऐलान करा बड़े ड्रामेटिक तरीके से, 1, 2, 3, 10, और 10 के बाद हो गया बस, क्योंकि अभी तक किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। अभी तक किसान कर रहे हैं इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की घोषणा करी। राजस्थान के 65 लाख किसानों में से 30 लाख ने आवेदन पत्र दिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने ये सूची केंद्र सरकार को नहीं दी। उन 30 लाख किसानों का अपमान भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है, और वो मांग रहे हैं आपसे जवाब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान करा कि देश के 50 करोड़ व्यक्तियों को अगर बीमारी हो तो उनको बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। आपने राजस्थान की भामाशाह योजना को भी बंद कर दिया, जिससे ये मुफ्त इलाज हो रहा था, और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को भी स्वीकार नहीं करा। राजस्थान के सभी लोग जो पीड़ित हैं, वो आपसे मांग रहे हैं जवाब। ने विधानसभा चुनाव में ऐलान करा कि जितने भी राजस्थान के नौजवान हैं बेरोजगार, उनको मिलेगा 3,500 रुपये का भत्ता प्रति माह। राजस्थान के नौजवान कर रहे हैं इंतजार। मार्च निकलता जा रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, सभी नौजवान मांग रहे हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।